गुज़श्ता दिनों 20 सितंबर को जब सोर्सेस से खबर जानकारी मिली कि जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह साहब ज़िला रियासी के दौरे पर आ रहे हैं, फिर ये जानकारी लोगों तक पहुंची कि पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह साहब का हेलीकॉप्टर ज़िला रियासी के गुलाबगढ़ के मकाम पर लैंड करने वाला है। गुलाबगढ़ ज़िला में ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में अपने नाम की एक अलग व मुनफरद पहचान रखता है, जहां महाराजा गुलाब सिंह ने एक दौर में एक तवील अरसे तक कयाम किया था और उसके बाद इस गांव का नाम महाराजा गुलाब सिंह ने ही गुलाबगढ़ रखा था। उसके बाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में ज़िला रियासी के एक वसी इलाके को इसी गांव गुलाबगढ़ के नाम से नुमाइंदगी होने लगी। बात हो रही थी जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह के गुलाबगढ़ दौरे की। पुलिस सरबराह के गुलाबगढ़ में लैंड करने की थोड़ी सी खबर इलाके के नौजवानों के कानों तक पहुंची तो नौजवानों ने गुलाबगढ़ की जानब सफ़र शुरू किया। जिस नौजवान ने जहां पर सुना जिस तरह सुना वहीं से वो चल पड़ा और गुलाबगढ़ की तरफ सफ़र शुरू किया। नौजवानों का गुलाबगढ़ की जानब रुख करने से गरज थी कि शायद ही जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह इलाका के नौजवानों के लिए कोई भर्ती का अमल शुरू करने वाले हैं या कोई तोहफा बेरोज़गार नौजवानों के लिए लाए होंगे। जब मैंने भी नौजवानों की कतारों को गुलाबगढ़ चलो की दौड़ में देखा तो मैंने भी गुलाबगढ़ जाने को मुनासिब कर दिया और मैं भी चल पड़ा। बस मैंने देखा कि ज़िला रियासी के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों से जैसे थुरु दरबाड़ी बुदन जमसलान सजू माहौर भठोई बागा सुंगड़ी चसाना तुली कुंडरदान बागनकोट ममनकोट शबरास देवल्लार गुलाबगढ़ शदोल जैसे इलाकों से दौड़ते हुए हज़ारों नौजवान गुलाबगढ़ पहुँचे, लेकिन वहाँ जो आस लगाए गए थे जो उम्मीद लेकर पहुँचे थे उस पर पानी फैर गया। नौजवान पुलिस सरबराह के गुलाबगढ़ के मकाम पर लैंड करने की खबर को बेरोज़गार नौजवानों के लिए भर्ती करने से ताबीर कर रहे थे, जो बेबुनियाद तो शराब साबित हुआ। जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबराह के नौजवानों से खुसूसी पुलिस के नौजवानों से खुसूसी गुफ्तगू व उनकी हौसला अफजाई के लिए गुलाबगढ़ पहुँचे थे। पुलिस सरबराह ने वहाँ देगर पुलिस व आर्मी के आला अफसरान से इलाके में अक्सरियत पसंदों की चंद नापाक हरकतें पेश आने के बाद इलाके व ज़िला रियासी के हफाजती इंतजाम का तफसीली जायज़ा लिया। बात हो रही थी बेरोज़गार नौजवानों की। आखिर पुलिस सरबराह की आमद पर नौजवानों की बेताबी बेकरारी और उनकी इस रफ्तार में DGP की खबर सुनकर उनकी जानब दौड़ने से अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बेरोज़गारी है, किस हद तक नौजवान परेशान हाल हैं। इस बात का दोष पुलिस सरबराह दिलबाग साहब से बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने कोई भर्ती का अमल नहीं किया, बल्कि मौजूदा सरकार मुल्क की आवाम की आंखों में धूल फूंक रही है। अब सरकार ने पुलिस सरबराह के हाथों में भी नहीं रखा है कि वह अपने लेवल पर भर्ती का अमल शुरू कर पाए। बस सरकार जो अल्फाजों की बारिश से मुल्क के नौजवानों से सियासी रोटियां सेकने की खातिर बेवकूफ़ बना रही हैं, बस नतीजा इस अमर का है कि नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है।